सर हमारे योगी आदित्यनाथ जी की एक बड़ी खासियत है, भूलते नहीं है, मतलब लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि ठाकुर जो है, ठाकुर का बदला 36 सतपाल तक वो याद रखता है। तो बेशक बाबा जो है सन्यासी हैं, साधु हैं, बाबा है, महंत है, पर आखिर है तो ठाकुर ना। सर बाबा ने उसको याद रखा, फिर वो चाहे अतीक अहमद हो, चाहे फिर वो आजम खान हो, या फिर वो कोई भी गुंडा हो। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पर। और आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी की, और मुख्तार अंसारी के इतिहास, भूगोल और विज्ञान सारे पक्षों की। और हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। और आपको बाबा रामदास जी के बारे में वैसे तो मैं परिचय करा चुका हूं कि बाबा रामदास जी जो इनका पूर्वाश्रम नाम है अजीत सिंह, और ये मूल निवासी हैं गाजीपुर के। जी हाँ, गाजीपुर मुख्तार अंसारी का भी मूल निवास है। यद्यपि इन्होंने अपना समस्त जो कर्म जो है वो गाजीपुर से बाहर किया है, लेकिन निश्चित रूप से सभी कुछ वहाँ जानते हैं। तो बाबा जी बताएं आप मुझको कि ये जो मुख्तार अंसारी है, इसके परिवार में संभवतः इसके दादाजी, उनका नाम भी मुख्तार अंसारी था, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जहां तक मेरा विचार है 1918 या 1919 में, यानी वो खिलाफत आंदोलन 1923 में। तो ये स्वतंत्रता सेनानियों की फैमिली, ये कहां से अचानक जो है ये उल्टे ट्रैक पे चल गई। वैसे तो हामिद अंसारी बड़ा डिप्लोमेट बना, लेकिन ट्रैक उसका भी उल्टा ही था। ये अलग बात है कि उसने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन उसने कार्य वही किए जो सारे जिहादी करते हैं। तो थोड़ा इस परिवार के बारे में बताएं, इस परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताएं, ये कहां से ये इस तरह की हरकतों में आ गए। क्योंकि ये जो जगह है इसकी, क्या बोलते हैं, यूसुफपुर, बताते हैं कि ये मिल्की जो हैं, ये आपके जिनको मिल्की अशराफ बोलते हैं, ये अंसारी जुलाहे नहीं है, ये मिल्की अशराफ हैं। इन लोगों के बड़े भारी स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। तो थोड़ा इसके सोशियोलॉजी के बारे में भी बताएं जी। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये ही बिलोंग्स टू दैट फैमिली, जिसमें कि भाई ये फ्रीडम फाइटर्स थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके दादाजी जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इतना ही नहीं सर, इसके जो नाना जो थे, ब्रिगेडियर उस्मान, और जो कि बहुत ही जो कि महावीर चक्र विजेता थे, और जी और बहुत डेकोरेटेड आजाद हिंद फौज में थे वो। अच्छा, अब इस फैमिली बैकग्राउंड का लड़का इतना बड़ा क्रिमिनल, इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया, ये इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आपको बताऊं कि सर हमारा, मेरा जो घर है ना, वो जिला गाजीपुर में सैदपुर के पास पड़ता है। तो सैदपुर कस्बा है, जब आप बनारस से गाजीपुर गोरखपुर वाली जो मेन, आजकल तो 4 लेन बन गई है, वो पकड़ के जाते हैं, तो बनारस से 35 किलोमीटर दूर कस्बा है सैदपुर। सैदपुर से करीब 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर एक गाँव है, उसका नाम है मुड़ियार। तो मुड़ियार में वही आपस की एक फैमिली की लड़ाई थी, चाचा ताऊ थे आपस में, और जैसे कि जो जमीनों की, छोटी मोटी जमीनों की लड़ाइयां नहीं हो जाती, खाम खा की जैसे ईगो वाली लड़ाई होती है, तो उसमें सर एक चाचा ताऊ फैमिली आपस में लड़ पड़ी पहले तो। और पुराने जमाने की लड़ाइयां क्या होती थी, लाठी डंडे की लड़ाई होती थी, है ना, उन्होंने मार के अपने चाचा के पैर तोड़ दिए, इस टाइप से वो 4-6 महीने जो है लंगड़ा के चले, फिर ठीक हो गए, इस टाइप की लड़ाई थी। तो उस लड़ाई में सर एक ठाकुर साहब थे, उनका नाम था बाबू मकनू सिंह। तो वही आपस की लड़ाई में वो जो है छोटा मोटा गुंडा बन गए थे उस जमाने में। फिर उस जमाने, अच्छा ये बात है सर 70s की,
इमरजेंसी के जस्ट बाद की बातें हैं ये सारी। तो मखनू सिंह उस जमाने में गुंडा बन के निकल रहे थे, तो वहां पे गांव में एक बारात आई हुई थी। और बारात पहले क्या थी कि पुराने जमाने में एक तंबू लगा दिया जाता था किसी आम के बगीचे में, और जो ये ठाकुरों की जो बारातें होती थी इसमें 10-20 नाल बंदूक आना आम बात थी, और चुन चुन के उन लोगों को न्योता दिया जाता था जिनके पास जो है दो नाली बंदूकें हुआ करती थी 12 बोर, और उनको बाकायदे मतलब कहा जाता था कि भैया तेरी बंदूकियां ले ले आया, और जो द्वार पूजा लगती थी तो तो जिनके पास बंदूकें होती थी उनको स्पेशल न्योते होते थे। तो सर बड़ा मजेदार किस्सा है ये, आपके दर्शक एंजॉय तो करेंगे पर वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लंबी होने दीजिए। तो जिस व्यक्ति ने ये प्रत्यक्ष दर्शी घटना देखी है मैं उनके मुंह से सुनी हुई बात बता रहा हूं। तो सर क्या हुआ कि उस बारात में एक यंग सा लड़का आया हुआ था 18-19 साल का, एंड बड़ा लहिम शहीम पर्सनैलिटी, 6 फुट हाइट। तो गर्मियों के दिन थे, तो सर ये लोग बताते हैं कि जनवासे में अगर बारात रुकी है और आम के पत्ते आम के बगीचे में रुकती थी, और आम के बगीचा में अगर कुल पत्ते ही न झर जाए आम का तो कैसे बारात, मतलब इतना हवाई फायर होता था कि आम की पत्तियां पूरी नीचे गिर जाया करती थी, पेड़ नंगा हो जाता था, और जो शामियाना था वो एकदम छेदा जाता था 12 बोर के छर्रों पे। तो ऐसे में सर वहां पे एक व्यक्ति के पास राइफल थी, तो उस लड़के ने निशाना लगाया और आम के बहुत बड़े पेड़ की सबसे आखिरी फुनगी पे एक आम का टिकोरा लगा हुआ था उस पे निशाना लगाया और वो टिकोरा गिर गया, इतना परफेक्ट निशाना। तो वहां बाबू मखनू सिंह जो हैं वो इस घटना को देख रहे थे दूर से बैठ के, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन लड़का है भाई, वैसे पर्सनैलिटी बड़ी लहिम से बड़े जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। तो लोगों ने बताया कि इसका नाम मुख्तार अंसारी है और वो वहां यूसुफपुर में अहमदाबाद में फलाने जो है उनके यहाँ पे। अच्छा अच्छा पर वहां से ऐसा बताया जाता है कि वहां से मखनू सिंह ने इसको पहचान लिया कि इसके अंदर टैलेंट है, और अपने धीरे धीरे उसको उससे मेलजोल बढ़ाते हुए अपने गैंग में शामिल कर लिया, और फिर वो गैंग जो है कालांतर में एक बहुत बड़ा गैंग बना और आपस में पारिवारिक दुश्मनियां बन गई, और दुश्मनी बनते बनते ये वाले कि आज तक बताते हैं कि उस परिवार में 40-50 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं, और ये बात 40 साल पुरानी होगी, 40 साल से वो दुश्मनी आज भी कायम है। हालांकि बाद में मखनू सिंह जी के बच्चे तो सब मखनू सिंह जी वगैरह सबका इनका मर्डर हो गया, उनके बच्चे सब सुधर गए, पर जो दूसरी वाली पार्टी थी उसके परिवार के लोग बहुत बड़े माफिया गैंगस्टर बने और ब्रजेश सिंह गैंग में शामिल हो गए थे, ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह इन पार्टी इस टाइप थे, वो बड़े जेलों में रहे 20 साल। इस अब त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह गैंग से अपोजिट पार्टी थी मखनू सिंह वाली, और उस मखनू सिंह के गैंग में शामिल हुए थे मुख्तार अंसारी। तो मखनू सिंह का पूरा परिवार समाप्त हो गया और गैंग को टेक ओवर कर लिया मुख्तार अंसारी ने। तो सर ये कहानी है, और वहां से यह व्यक्ति गाजीपुर में सबसे पहले ठेका पट्टा तहबाजारी के ठेके, जो छोटे मोटे ठेके नहीं होते टाउन एरिया में पार्किंग के ठेके, उसके बाद भाई गंगा जी के किनारे बालू उठाने का ठेका, हाई ठेका आउट ठेका, उसके बाद जैसे जैसे गैंग बढ़ते गए तो गैंग के साथ खर्चे बढ़ते हैं। भाई गैंग में अगर तुम्हारे पास 50 गनर है तो उस 50 गनर को 10-20 हजार रुपया महीने का जुगाड़ देना पड़ता है, तो उसके लिए फिर अलग अलग पेशों में ये कब्जा करते चले गए और बहुत बड़े गैंगस्टर बन गए। फिर जैसा कि आपको पता है, आप तो सब जानते हैं कि उस जमाने में भी पुलिस एनकाउंटर कर दिया करती थी, तो एनकाउंटर तो बचने का जो सबसे अच्छा तरीका था कि किसी तरह राजनीति में घुस जाओ। तो ये वहां से सर आपको मालूम है, फिर ये 5 एमएलए बना, एमपी का चुनाव लड़ा, इसका भाई जो है वो एमपी बनता था जिसका नाम था ये अभी जो है अभी जिसके बयान आ रहे हैं एक अफजल अंसारी, एक और इनसे बड़े भाई हैं वो भी एमएलए बने, इनके मतलब ये फिर पूरा खानदान जो है राजनीति में घुस गया। अच्छा अब इसकी एक क्वालिटी बड़ी जबरदस्त थी कि इसके यहां कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी काम लेके चला जाए
तो ये उसको मना नहीं करता था और फोन तुरंत कर देता था। और धीरे धीरे इसकी पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी दहशत हो गई थी कि इसका फोन सुनते ही सर अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े राजनेता, अफसर, गुंडे, ठेकेदार, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े बड़े अफसर भी हाथ कांपने लगते थे, भाईजान का फोन आ गया मतलब बस अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा या आपकी बात एक सेकंड में मान ली जाएगी, और फोन ये एक सेकंड में कर देता था। और इसका प्रभाव क्षेत्र ऐसा था सर कि दिल्ली और पंजाब तक के बैठे हुए मुसलमान जो थे, और सिर्फ मुसलमान नहीं सर, कोई भी फोन आप इसके पास कभी भी कोई भी काम लेके चला जाइए, ये वो पूछता ही नहीं था कि कौन हो तुम, क्या हो, किस पार्टी से हो। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि इसके दुश्मन गैंग के परिवार के लोग, भाईजान हम ऐसे ऐसे आए और हम उस परिवार के, बोले कोई बात नहीं, अरे करो फोन, फोन करवा दिया। तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल इन मतलब ही हेल्पिंग पीपल अराउंड हिम। तो धीरे धीरे ये पॉपुलर बहुत हो गया, प्लस ही वॉज अ ड्रेडेड क्रिमिनल, ड्रेडेड मतलब अगर आपने इसकी बात नहीं मानी तो लोगों को एक पक्का भरोसा था कि उसने कहा है मान जाओ, नहीं मानेगा तो वो पक्का गोली मरवा देगा। ये इमेज थी, इतना खतरनाक ये इमेज, इसीलिए डरता है सर। आखिर एक बात बताइए ना, आजकल के गुंडों से कोई नहीं डरता क्योंकि मालूम है आजकल, पर इसके जमाने में जो राजनीति थी ना सर, और मुलायम सिंह जैसे नेताओं का प्रश्रय था, और आपको मालूम है मुलायम सिंह कितने बड़े गुंडा तत्वों को पालने वाला, इधर लालू उधर बिहार में लालू इधर मुलायम, तो लालू का तो मैंने तो शहाबुद्दीन का जलवा देखा है उसकी पीक पे। हाँ तो सर बात यह कि इन दोनों ड्यूटी लगी थी वहां एज इलेक्शन ऑब्जर्वर, उसमें सिवान के भी दो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो मैं गया था सिवान, एक दिन रुका भी था वहां पे, तो मैं देखा था क्या था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अपना पोस्टर लगा ले शाहबुद्दीन के सामने। हाँ, राजनीतिक प्रश्रय का ये आलम था सर कि एक बार हुआ क्या कि एक फौज का सिपाही अपनी रेजिमेंट से भगौड़ा हो गया और LMG लाइट मशीन गन उठा के ले आया, फौज ने परसू किया केस को, तो वो बनारस क्षेत्र के एक यादव जी थे, पुलिस ने दबिश दी और डिप्टी SP साहब थे STF के पास ये केस था, और डिप्टी SP थे शैलेंद्र सिंह जी, उन्होंने दबिश मारी, दबिश दी और भूसे में छिपा के रखी गई LMG बरामद कर ली। तो जब उस केस की जांच हुई तो उसमें यह पता लगा कि उस जो भगौड़े सिपाही ने उस LMG को मुख्तार अंसारी को 1 करोड़ रुपए में बेचने की बातचीत पक्की कर दी थी, पुलिस ने वो सारे सबूत जुटा लिए, मुलायम सिंह की सरकार थी और शैलेंद्र सिंह नामक उस जाबाज पुलिस अफसर ने जो है मुख्तार अंसारी को उस केस में बकायदा पर्चा दाखिल कर दिया। अब साहब मचा तहलका, और आप सोच लीजिए कि राजनीति, हाँ हाँ, और पोटा लगाया था उस जमाने में, पोटा उस जमाने में पोटा होता था शायद, और मुख्तार अंसारी पे पोटा लगा दिया। तो सर मुलायम सिंह यादव सरेआम जो है मुख्तार के पक्ष में खड़े हो गए, और उस डिप्टी SP को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, उसकी जान को खतरा हो गया, उसके परिवार की जान पे बनाई, और अंत में उसको इतना प्रताड़ित किया मुलायम सिंह यादव ने कि उस बेचारे को नौकरी छोड़नी पड़ गई, उसको इतना मजबूर कर दिया गया। ये हालत तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया था झूठे केस में उसको, अरे वो जितने, और सरकार एक गुंडे, एक माफिया, एक कतली, एक अपहरण उद्योग चलाने वाले आदमी को जो एक्सटॉर्शन का गैंग चलाता है। मैं आज आपको एक और बताता हूं बड़ा मजेदार किस्सा, कि मेरठ साइड के एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने लखनऊ की एक फर्म से सर अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी। तो अल्ट्रासाउंड जब मशीन खरीदी तो वो उस मशीन जो है मैल फंक्शन कुछ कर रही थी,
और उस जमाने में शायद पता नहीं महंगी थी, काफी महंगी थी, और डॉक्टर साहब बेचारे नए नए थे, कर्जा वर्जा लेके किसी तरह अपना क्लिनिक अस्पताल सेट कर रहे थे, तो वो मशीन चली नहीं, परेशान हुए, दौड़ भाग कर रहे थे, कंपनी सुन नहीं रही थी। तो उनके एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम मुख्तार अंसारी से मिलाओ। तो उसने बोला, यार हम तो मुख्तार अंसारी को जानते ही नहीं। बोला, अरे जानने की, मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए और काम कराने के लिए जानने की जरूरत नहीं होती, बस तुम चले जाओ। अब उसकी मैं रॉबिन हुड इमेज की बात बता रहा हूं आपको जी। वो साहब चले, वो लखनऊ जेल में गए, उन्होंने बताया थे कुछ नहीं, गेट पे जाके खाली इतना बोल देना कि लखनऊ भाईजान से मिलना है, और देखना तुम गेट के दरवाजे कैसे तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। और कोई, बोला मैं एंट्री, बोला कोई एंट्री नहीं होगी यार, तुम जाओ तो सही। डॉक्टर साहब वहां गए, उन्होंने जाके गेट पे बोला, वाकई गेट खुल गया, कहीं कोई एंट्री नहीं हुई। उनको वहां मुख्तार अंसारी का दरबार लगा हुआ था, वहां ले जाके बैठा दिया गया। वो बड़का सिंहासन नुमा कुर्सी होती ना शादियों में, जो दूल्हा दुल्हन जो है वो बैठते हैं जिनमें, वो वाली कुर्सी लगी थी, उसके अगल बगल 10-20 कुर्सी थी, कारिंदे थे, उनके चेला छप्पड़ थे, वहां बकायदा बर्फी खिला के पानी पिलाया जाता था, चाय पिलाई जाती थी, हाँ जी बोलिए बोलिए, और बकायदा टेलीफोन से वो पूरा कारोबार करता था अपना। तो जब इनका नंबर आया तो बोलिए, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं ऐसे, मैं, मेरा नाम फलाना डॉक्टर है भाईजान, ऐसे ऐसे। तो उसके जो, उसके जो कारिंदे थे, उन्होंने पहले ही सारा डिटेल्स केस का नोट कर लिया था, जिस व्यक्ति से फोन, वो मशीन ली गई थी ना, उसका डिटेल पहले लिखवा दिया था। तो उसने तुरंत उसका नंबर मिलाया, तो हेलो, हाँ भाईजान बात करेंगे, कौन भाईजान? मुख्तार अंसारी जी। अच्छा अच्छा, अरे भाई ये डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं, अरे भैया ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अरे ये तो मानवता की सेवा कर रहे हैं, काहे आप लोग इनको परेशान कर रहे हैं? अच्छा देख लीजिएगा, देख लीजिए, हाँ और कोई काम हो तो बताइएगा हमको। कुछ नहीं, बड़े प्यार से उस अल्ट्रासाउंड वाले से बात की, तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ, ये हुआ क्या? कहता बोला, हाँ डॉक्टर साहब जाइए, अब हो जाएगा। कहते जब ये जैसे ही जेल से बाहर निकले हैं, उस एजेंसी वाले का फोन आ गया, अरे डॉक्टर साहब आपको मुख्तार भाई के पास जाने की, भाईजान के पास क्या जाने की जरूरत थी, आप मुझे ही बता देते। खैर साहब कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा हूं तो उन्होंने नई अल्ट्रासाउंड मशीन तैयार करके रखी हुई थी कि डॉक्टर साहब ये आप भिजवा देते हैं, आप जैसे कहेंगे, और वो जो दूसरी वाली है हमारा आदमी उठा लाएगा, उसकी चिंता में, मतलब जिस चीज के लिए वो आदमी 6 महीने से परेशान था, 6 मिनट में वो काम हो गया। कहते मैं बड़ा खुश हुआ, कह रहे वाह साहब वाह। पर कहते करीब साल भर बाद भाईजान का फोन आया, हेलो हाँ भाईजान बात करेंगे, और डॉक्टर साहब कैसे हैं? हाँ 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 ठीक है, वो काम हो गया था, हाँ आपका, हमें पता लगाया था, हमने पता लगाया था, वो काम आपका हो गया था, जरा चुनाव लड़ रहे हैं, जरा देख लीजिएगा बस इतना। कहता वो मशीन मुझे 50 लाख में पड़ी। अच्छा रॉबिन, वो मशीन अल्ट्रासाउंड की मुझे 50 लाख में पड़ी। कहते अगला 5 चुनाव हमारे ही पैसे से लड़ा। तो सर इनकी रॉबिन हुड गिरी ये होती, और सर हमने अपनी आंख से देखा। और जो मैं आपके, आपको क्रेडिट कर दूं कि सर मेरा कार्य क्षेत्र भी गाजीपुर ही रहा है, मैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन डिफरेंट कंटोनमेंट्स, पर मैंने 17 साल गाजीपुर में महापुर गांव में बिताए हैं सर, मैंने काम किया है, उस इलाके के हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो मैं तो सर जब तूती बोलती थी ना मुख्तार अंसारी की, जब इनकी पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी, हम लोग कहते थे कि मुख्तार अंसारी के मुंह से चिराग जलते थे पूर्वांचल में, तब वो एरा मैंने देखी, वो मैंने एरा देखी है। और सर गाजीपुर जेल में ये बंद था, और डीएम साहब इसके साथ बैडमिंटन खेलने आते थे, और इसकी पत्नी परमानेंट जेल में ही फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन सूट था जिसमें इसकी पत्नी इनके साथ रहती थी, और डीएम साहब जो है बैडमिंटन खेलने आते थे शाम को इसके साथ, और एसएसपी, उन दोनों एसएसपी एसपी की पोस्टिंग होती थी गाजीपुर में, एसपी जो है दरबार लगाता था,
अच्छा एक और बड़ा मजेदार किस्सा इससे जुड़ा हुआ सुनाता हूँ। एक एकदम नया आईपीएस अफसर आया, नाम था संदीप सालुंके। अभी भी आप बताएंगे शायद एडीजी थे पिछले, मैंने जब पिछली बार चेक किया था। ये बात है सर 1990-92 के आसपास, मतलब कल्याण सिंह जी की सरकार गिरी थी और जब मुलायम सिंह दोबारा आए हैं तब की बात है। तो ना, तब की बात नहीं है सर, नहीं 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 मायावती थी, ना ना मायावती 95 की बात होगी सर। हाँ वही 90s की बात है सर। तो ये अफजाल अंसारी वगैरह जो हैं बहन जी से कह के इसके लिए वाई क्लास सिक्योरिटी के ऑर्डर ले आए, और संदीप सालुंके वॉज द एसएसपी, उन दोनों एसपी एसएसपी की पोस्टिंग आ गई थी शायद। तो सर ये पहुंचे अफजाल अंसारी ऑर्डर लेके, तो डीएम ने जो है मार्क कर दिया एसएसपी को कि मुख्तार अंसारी को जो है वाई क्लास सिक्योरिटी दे दी जाए। जब संदीप सालुंके के पास पहुंचे तो उसने बहुत मोटी गाली दिया। अच्छा अफजाल अंसारी को वो गाली, मैं आप मेरा चैनल होता तो मैं बता भी देता आपको, अब आप सोच लीजिए कैसी दिया होगा। उसने बोला ले वाई क्लास सिक्योरिटी चाहिए तुमको, हम उसको खोज रहे हैं, साले मिल गया तो एनकाउंटर करेंगे उसका, है तुमको भाग साले भाग जा सर, भागा दिया उसको। और इस घटना के 3-4 दिन बाद मुख्तार अंसारी जो है कहीं जा रहे थे अपने काफिले के साथ, और संदीप सालुंके ने विद फोर्स जो है मुख्तार अंसारी को दौड़ा लिया। मुख्तार अंसारी की गाड़ी आगे आगे और संदीप सालुंके विद फोर्स पीछे पीछे। सर गाजीपुर की आंखों देखी घटना बता रहा हूँ, लोगों द्वारा सुनाई गई और अखबारों में छपी थी, अगले दिन मोटी हेडलाइंस के साथ छपी थी। और सर उस दिन संदीप सालुंके ने वाकई इसको ठोक दिया होता तो सर ये जो ना भाग के डीएम साहब के बंगले में घुस गया, और डीएम साहब के पास, हाँ जी अरे बड़ा मजेदार किस्सा है ये सर, ये भाग कर इसकी गाड़ी ने डीएम साहब का गेट शायद बताते हैं लोग कि तोड़ दिया था, टक्कर मारा गेटवा खुल गया था, अंदर घुसा लिया गाड़ी, हाँ हाँ करते पीछे पीछे एसएसपी साहब ये भाग के डीएम साहब के पीछे ऐसे जाके खड़ा हो गया। डीएम साहब ए रुको रुको ए संदीप रुको 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 ए यार रुको, इस तरीके से बचाया था डीएम ने। अगर गाजीपुर का कोई पुराना आदमी मेरी ये वीडियो सुन रहा होगा तो कमेंट में नीचे कहते एकदम सही बाबा जी, एकदम सही किस्सा सुना रहे हैं। और फिर जाके वहां बहन जी का हुआ तो शाम को जो है जाके संदीप सालुंके का ट्रांसफर हुआ था, नाम था संदीप सालुंके। चेक आप गूगल पे, मैं आपके दर्शकों से कहूंगा कि संदीप सालुंके को चेक कर गए। उसके बाद सर संदीप सालुंके गाजीपुर का हीरो बन गया, आज तक लोग याद करते हैं कि मुख्तार को नानी याद दिलाने वाला एक ही अफसर आया, या उससे पहले अरुण झा साहब थे वही जो डीजीपी रिटायर हुए और बीएसएफ के जो डीजी रिटायर हुए। सर उतना जाबाज अफसर भी सर आज तक मुझे लगता है कि इंडियन पुलिस फोर्स में अरुण झा से ज्यादा जाबाज आदमी, मतलब एसटीएफ के संस्थापक मेंबर थे, ही वाज एसएसपी एसटीएफ, और ये जो गोरखपुर वाला था शुक्ला, शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर उन्हीं की टीम ने किया था ना, संदीप पांडे सर ने, और सर ये राजेश पांडे जी थे और सारी जो टीम थी। तो सर या तो एसएसपी आया गाजीपुर में अरुण झा, या फिर आया संदीप सालुंके, मतलब इन दो को आज भी गाजीपुर की जनता याद करती है। और जब जब अरुण झा थे तब तो खैर चलिए कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तब तो ये सब भाग के जो है नेपाल और क्या नाम बिहार में जाके किसी तरह जान बचाए थे, है पर उसके बाद तब मुलायम सिंह जी, अगर मुलायम सिंह जी का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का आपको पता ही है, वो तो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, मुस्लिम वोट का तुष्टिकरण के लिए किसी भी स्तर पर गिर जाने वाले आदमी थे। और सर मुलायम सिंह के राज में तो इस व्यक्ति ने इतना ज्यादा ग्रो किया, इतना बड़ा इसने साम्राज्य बना लिया था कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे पूर्वांचल में, सर पूर्वांचल का मतलब कम से कम 20 जिला होता है, सर पूर्वांचल का मतलब होता है हरियाणा पंजाब पूरा ऐड कर लीजिए, क्यों
इतने बड़े एरिया में इस आदमी की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी सर, किसी की मजाल नहीं थी कि इसकी मर्जी के बिना, मतलब कोई भी ठेका पट्टा किसी भी चीज का अगर कोई भी सरकारी ठेका पट्टा या कोई भी काम है, फिर वो चाहे रेलवे का हो, चाहे वो आबकारी हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो कोई भी विकास कार्य हो, पीडब्ल्यूडी से लेके गांव तक की सड़क गिट्टी खड़ंजा तक, कुछ भी अगर 20 जिले तो आप तो यू आप अपनी नींव नहीं डाल सकते थे जब तक आप इसको टैक्स नहीं दे दे। सर मैं बता रहा हूं ना कि यू नेम द थिंग और उसमें इसका दखल था, और 5-6 विधानसभाओं में इसका वोट बैंक था, इसकी मर्जी से मुलायम सिंह की पार्टी टिकट मारती थी। फिर बाद में जब अखिलेश का जमाना आया, अखिलेश ने कहा कि हम गुंडों को टिकट नहीं देंगे, तो इसके भाई की और इसकी एंट्री जब समाजवादी पार्टी में भाई अखिलेश यादव नए नए आए थे, इन पे बड़ा आदर्शवाद का, हालांकि शिवपाल यादव ने समझाया कि अरे ये सब नहीं चलता है राजनीति में, कुछ लोगों को साथ में रखना बहुत जरूरी है, मुसलमानों का वोट लेना है कि नहीं ले रहा है। तो सर फिर इसने कौमी एकता दल नाम की एक छोटी सी पार्टी बना ली थी जो कि बनारस, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और ये बलिया, आजमगढ़ वाले इलाके में उसका बड़ा अच्छा प्रभाव था। मतलब वो 10-12-14 सीट पे जो है वो मुस्लिम वोट को कंट्रोल करता था, कौमी एकता दल नाम था। अच्छा ये बताएं इसमें कि ये जो है आप कह रहे हैं कि ये कोई भी चला जाता था तो उसका काम करता था, तो ये जो है ये एकदम से ये मुस्लिम वाला मामला इसका कब से शुरू हो गया कि ये अचानक ये इस्लाम का मसीहा बन गया? सर इस्लाम का मसीहा बनने के लिए ना आपको कोई बहुत बड़ा स्कॉलर साइंटिस्ट या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, गुंडा बन जाइए आप इस्लाम के हीरो बन जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम कभी कौम के हीरो बने नहीं। तो अच्छा यही नहीं सर, ये अकेला इस्लाम का हीरो थोड़ी ना था, कोई भी मुसलमान जो गुंडा है, छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का, वो इस्लाम का हीरो है। छोटा वाला छोटे स्तर का हीरो है, बड़ा वाला बड़े स्तर का हो रहा है हीरो है। उधर आप चले जाइए प्रयागराज और पूरे बुंदेलखंड में, अतीक अहमद बौद्ध हीरो, इधर मुख्तार अंसारी बौद्ध हीरो, थोड़ा सा और उधर चले जाइए भाई बलिया से उधर फिर सिवान पड़ जाता है, उधर है वहां शहाबुद्दीन, तो वहां शहाबुद्दीन बौद्ध हीरो, उधर तस्लीमुद्दीन बौद्ध हीरो है। तो सर गुंडा होना ही पर्याप्त है। और दूसरी बात है सर, इन गुंडों के कहने पे मुसलमान वोट देता है, और आज के जमाने में सर किसी व्यक्ति के पास अगर 50 वोट है गांव में, अगर किसी भाई समाजवादी पार्टी की जो पूरी राजनीति की धुरी है वो ग्राम प्रधान होता है, क्योंकि ग्राम प्रधान एक मुश्त 100-200 वोट डलवा देता है। इसलिए समाजवादी पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो ग्राम प्रधानों द्वारा कंट्रोल होती है, इसलिए ग्राम प्रधान समाजवादी पार्टी की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक इकाई है। तो 50-100 वोट कंट्रोल करने वाला ग्राम प्रधान अगर इतना महत्वपूर्ण है, तो एक लोकसभा में 2.5-3 लाख वोट कंट्रोल करने वाला मुख्तार अंसारी कितना महत्वपूर्ण होगा सर? और मुसलमानों का एक मुश्त वोट दिलाने का काम करता था, इसलिए क्यों महत्वपूर्ण नहीं होगा? तो मुसलमान चूंकि इसके कहने से वोट देते थे, अच्छा कुछ अन्य लोग जो थे वो तुच्छी सी ठेकेदारी है। अच्छा ये क्या कहता कि भाई इसके तंत्र में सारे के सारे सरकारी ठेके उठा लिए जाते थे, कुछ भी अगर आपने टेंडर डाल के ठेका उठा भी लिया है तो उसका परसेंटेज कट आपको पहुंचाना है, नहीं तो वो काम नहीं करने देगा आपको। और ये अघोषित सिस्टम था, इट वॉज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड कि कोई अन्य ठेकेदार
जो है वो उसको डिफाइन नहीं करता था। और जाते थे लोग कि भैया वो फलानी जगह इतना में ठेका डाल दे, बोला हाँ डाल दो, तो इसकी परमिशन से ही टेंडर डलते थे और रेट ये फिक्स करता था और पूरा प्रशासन इसके सामने घुटनों पे होता था। तो इस सब पैरेलल गवर्नमेंट क्या होती है, यही ना होती है वो। आप इसका जो है ये बाद में जो है ना ये डॉन वाला जिसको बोलते हैं, जब बड़ा डॉन बन गया ये कृष्णानंद राय के साथ एक लखनऊ में गोलीबारी की घटना हुई, कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ, मऊ का दंगा हुआ, योगी जी को घेर के इसने जो है वो मारने की कोशिश की, वो सब क्या था सर? इसके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। कृष्णानंद एंड द ब्रजेश सिंह गैंग, मैं आपको बताऊं तो कृष्णानंद भी तो बड़े माफिया थे। मैं बता रहा हूं, बनारस और गाजीपुर का बॉर्डर बनाती है एक तरफ गंगा नदी और एक तरफ गोमती। तो जब आप बनारस से गाजीपुर आते हैं तो गोमती नदी तक है बनारस जिला, तो गोमती नदी पे जो अंतिम गांव है उसको उसका नाम है रजवाड़ी, और जैसे ही आप गोमती क्रॉस करते हैं तो गाजीपुर जिला शुरू हो जाता है, उस गांव का नाम है एक तरफ गोमती से एकदम सटा हुआ है खरौना, और उसके आगे जो पहला छोटा सी चट्टी पड़ती है उसको बोलते हैं सिधौना। तो सर गोमती उस पार बनारस जिले में एक छोटा सा गांव है धराहरा, धराहरा के थे बहु ब्रजेश सिंह, इनका भी वही झगड़ा था जो थे गांव के छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वो उसी झगड़े में जो है ये मारपीट करते करते ये भी जो है बदला लेने के लिए मर्डर मुर्डर हुए, माफिया बन गए। तो इनके गैंग से मिल गया ये मुड़ियार वाला आधा गैंग, मखनू साधु के साथ जो जिस पार्टी की जो झगड़ा था उसके जब लड़के जवान हुए तो उनमें थे त्रिभुवन सिंह, तो त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह की बड़ी अच्छी दोस्ती होती है और ये हमेशा आजीवन साथ रहे। लोग ऐसा बताते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं कि वो जे अस्पताल वाला जो हत्याकांड था वो इन्हीं दोनों लोगों ने जो है एग्जीक्यूट किया था मुंबई में जाके, ऐसे आरोप है। तो ये एंटी गैंग था मुख्तार का, ब्रजेश सिंह गैंग वर्सेस मुख्तार अंसारी गैंग। पर चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम्स पे होल्ड था एज अ वोट बैंक, तो जब जब समाजवादी पार्टी या बसपा की जब गवर्नमेंट रही तब तब मुख्तार अंसारी पूरे तंत्र पे हावी हो जाता था और ब्रजेश सिंह का गैंग बस किसी तरह काम चलाता था। तो जो इसका गांव है, जो इसका जो सेंटर ऑफ एपी सेंटर ऑफ द एम्पायर था वो था मोहम्मदाबाद में इसका गांव यूसुफपुर। उसके बगल के रहने वाले थे कृष्णानंद राय। तो उस पूरे इलाके में सर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इसके सामने कोई खड़ा हो जाए। तो कृष्णानंद राय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो आखिर भाई आखिर इतने बड़े माफिया से जो डॉन है उसके सामने खड़ा होने के लिए आपको बैकिंग चाहिए ना। तो वो बैकिंग मिली जो भाजपा का तंत्र था। तो कृष्णानंद राय अपने आप को ठीक ठाक विश्व हिंदू परिषद के नेता कहने लग गए और उनकी एक हिंदूवादी इमेज थी, चोटी रखते थे, एमएलए बन गए थे। और सर असली लड़ाई तो होती थी ठेके पट्टे की। तो इनको जो बैकिंग थी वो ब्रजेश सिंह गैंग की थी। इस चक्कर में सर इसने जो है वो आपने वो ऑडियो भी सुनी होगी जब ये एक अन्य माफिया को फोन करके बता रहे हैं कि हाँ हो जय श्री राम हो गया और चोटी। जब जब कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ था ना सर, तो वो अपने गांव से चले और उनके पास एक बुलेट प्रूफ कार होती थी। शायद उस दिन बाई चांस पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि वो भी लापरवाह हो गए थे और वो अपनी बुलेट प्रूफ छोड़ के वो सिंपल गाड़ी में कोई क्रिकेट का छोटा सा गांव में जो बच्चों ने आप मैच करा लेते उस मैच के उद्घाटन में वो गए थे।
हमारे यहाँ के नेताओं का जो जनसंपर्क और युवाओं से को जोड़ने का जो सबसे अच्छा एक सिस्टम है वो है कि क्रिकेट के छोटे छोटे मैच होते हैं और उन मैचों में नेताजी जाते हैं। उस जमाने में सत्ते जमाने में 1,500 रुपया कुछ ऐसे प्राइज मनी दे देते थे और बच्चों, जिससे कि गांव के 10-20-50 युवा भैया 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 करके जुड़ जाता था। युवाओं को जोड़ने का एक तंत्र था ये क्रिकेट मैचों का उद्घाटन, क्रिकेट मैचों को प्रश्रय देना। तो उसी एक क्रिकेट मैच में कृष्णानंद राय जो है वो उद्घाटन के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको एम्बुश किया और लोग बताते हैं कि शायद 400-450 गोली मारी गई थी उनकी कार पे। और जब कृष्णानंद राय मर गए तो वो चोटी रखते थे बहुत बड़ी शिखा, वो चोटी काट ली गई थी और वो चोटी काट के जो है मुख्तार अंसारी तब लखनऊ जेल में बंद था, तो वो चोटी उसको पहुंचाई गई थी। तो फिर उसने जो है एक और ने माफिया को फोन किया था, या वो सुने हो वो खबर आ गई है, वो विजय श्री राम हो गया है, चोटी आ गई है हमारे हाथ में। तो सर इस पर बड़ा बवाल हुआ था। और तो सर बात यह कि कृष्णानंद राय मतलब डेयर टू डिफाई हिम, उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत की थी। इसको चुनाव में हरा दिया था इसको शायद वह, हाँ, उनके इलाके में, उनको नहीं हराया था, उनके इलाके में चुनाव लड़ गए थे और जीत गए थे। अफजाल को हराया था। हाँ मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है किसको हराया था, या जहाँ शायद ऐसा ही कुछ था। अफजाल तो, को हराया था मऊ से, नहीं सर मऊ से नहीं हराया था, मोहम्मदाबाद से हराया था, मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़े थे। अच्छा मऊ तो दूर पड़ता था ना, मऊ में हमेशा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा, मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते थे मऊ से, ये अफजाल और अफजाल के जो बड़े भाई थे ये सब मोहम्मदाबाद से और अगल बगल की सीटों से चुनाव लड़ते थे, तो वो मोहम्मदाबाद से लड़ते थे कृष्णानंद राय। तो सर बात यह है कि फिर धीरे धीरे जब ब्रजेश सिंह का गैंग तगड़ा होता गया, फिर सरकारें बदली, बीजेपी की गवर्नमेंट आई बीच में, तो जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती थी तब तक ब्रजेश सिंह गैंग तगड़ा हो जाता था, फिर जब मुलायम सिंह और मायावती आ जाती थी तो मायावती के टाइम में ठीक ठाक चलता था, मुलायम सिंह के टाइम में बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाता था इनका गैंग। तो सर यही चल रहा था। फिर मऊ का हुआ दंगा, तो मऊ दंगे में लोग ऐसा बताते हैं कि ये ओपन जीप में ऐसे पगड़ी बांध के जो है ओपन जीप में खड़ा होके, और लोग ऐसा बताते हैं कि इसने शो तो ऐसा किया कि मैं तो दंगा कंट्रोल कर रहा हूं और शांति की अपील कर रहा हूं, परंतु सच ये है कि ये पूरे दंगा क्षेत्र में, हिंदुओं के क्षेत्र में 4 आदमी लेके घूम रहा था, और जो जो हिंदुओं की दुकानें नहीं लूटी गई थी या नहीं जलाई गई थी उसका बकायदा नाम नोट करते थे और जाके उनको दंगाइयों को बताते कि जाओ फलानी दुकान अभी बची है उसको करो, क्योंकि इलाके में तो पुलिस आ गई थी और कर्फ्यू लग गया था। तो सर मऊ का दंगा हुआ क्यों? बाप दंगा तो सर पूर्वांचल में कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजर, वो तो ऑर्गेनाइज होता है, फिर इवेंट होता है दंगा, तो दंगा होता थोड़ी ना है, दंगा कभी भी होता नहीं था, वो तो कराया जाता है। तो सर और दंगा वो अपने वोट को पोलराइज करने के लिए मुख्तार अंसारी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो बाबा की एक आदत थी सर, कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम अगर है तो हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए बाबा तुरंत चल पड़ते थे। तो सर ये योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चले, पुलिस ने इनको लखनऊ मऊ के आउटस्कर्ट्स में रोक लिया और वहां पे पता लगा कि बाबा आए हैं, तो इसने अपने गैंग अपना भेज के बाबा पे हमला कराया और बड़ी मुश्किल से जान बची थी, ऐसा बताते हैं लोग। डिटेल तो उसके बहुत बाद में सामने आए, पर ऐसा बताया गया कि बड़ी मुश्किल से जान बची थी, मतलब जानलेवा हमला था, ऐसे ही सिर्फ पथराव हल्का फुल्का नहीं था, वो तो उनकी तो उस दिन बस चलता तो शायद खत्म करते थे। तो सर हमारे योगी आदित्यनाथ जी की एक बड़ी खासियत है, भूलते नहीं है, मतलब लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि ठाकुर जो है ठाकुर का बदला 36 साल तक वो याद रखता है। तो बेशक बाबा जो है सन्यासी हैं, साधु हैं, बाबा है, महंत है, पर आखिर है तो ठाकुर ना सर। बाबा ने उसको याद रखा, फिर वो चाहे अतीक अहमद हो
चाहे फिर वो आजम खान हो या फिर वो कोई भी गुंडा हो। आजम खान ने तो उनको गिरफ्तार करवाया था, तो उसका आदम सर वो संसद में जो वो रोए थे ना फपक के, वो आजम खान के अत्याचारों से रोए थे। आजम खान के लोग कहते हैं पर नो मुख्तार अंसारी से वो इतना ज्यादा दुखी नहीं थे जितने आजम खान के दुर्व्यवहार से दुखी थे। तो आप देख लीजिए बाबा ने आजम खान का क्या हाल किया है, या अतीक अहमद का क्या हाल किया, या मुख्तार अंसारी का क्या हाल किया, या मुख्तार अंसारी के गैंग के जितने बड़े बड़े आदमी थे मुन्ना बजरंगी का क्या हाल किया। लोग अच्छा इन सबको एक गलत फहमी हो गई थी कि भाई जेल इज अ वेरी सेफ प्लेस, पर आखिर इसी मुख्तार अंसारी को 2.5 साल तक पंजाब में शरण लेनी पड़ी ना, नहीं तो ये जो आज जो कब्र खुदी है ये 3 साल पहले खुद गई होती तो जाके किसी तरह जान बचाया था पंजाब में घुस के। तो सर बाबा बाबा ने तो जिसके पीछे घोड़ा खोल दिया तो उसका तो आप देख लीजिए आज। अच्छा ये पूर्वांचल में जो गणित है वोटों की वो किस प्रकार की चलती है, जैसे ये मान लें गाजीपुर पार्लियामेंट्री सीट की अगर उदाहरण लें तो ये गाजीपुर में सिर्फ अपने दबंगई के कारण जीतते रहे हैं कि वाकई इनको पॉपुलर सपोर्ट रहता था। सर देखिए आज के जमाने में कोई दबंगई से नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं, दुनिया की कोई भी बड़ा सा बड़ा गुंडा है आज के जमाने में सर ईवीएम के जमाने में दबंगई नहीं हो सकती। और जो चुनाव आयोग आप तो खुद ऑब्जर्वर रहे आपने तो आज भी होती है दबंगई, वो सरकार की दबंगई है, लोकल गुंडे की हिम्मत नहीं है, सरकार चाहती है इसलिए दबंगई होती है, वो सरकारी गुंडागर्दी है सर, वो किसी लोकल गुंडे की अपनी गुंडागर्दी नहीं है, वो तो सरकारी तंत्र है। तो सर बात यह कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं कि कोई अपनी दहशत के बल पे यूपी में चुनाव जीत जाता है, नो, पब्लिक सपोर्ट है और हमारे ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पर अब तो फिर भी काफी मामला कंट्रोल हो गया, जब से मोदी जी आए हैं परिदृश्य पे तो 2014 के बाद तो गुंडों अब गुंडे अब कम जीतते हैं, नहीं तो मुझे तो याद है 90s के जमाने में तो एक भी शरीफ आदमी चुनाव नहीं जीतता था और एक भी गुंडा, एक भी बदमाश, एक भी भ्रष्ट है भ्रष्टाचारी मनी पावर वाला एक भी आदमी चुनाव नहीं हारता था। तो सर ये गलत बात है। गाजीपुर का इक्वेशन क्या है सर कि लगभग 2.5 लाख तो है मुसलमान वोट, और गाजीपुर में लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, और एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता शायद 3-3.5 लाख है यादव, डेढ़ पौने 2 लाख राजभर है, काफी सारा वोट कुशवाहा है, लगभग 1.5 लाख राजपूत है। तो सर पिछली बार क्या हुआ था कि भूमिहार वोट भी तो है वहां पे, वो मियार वोट भी अच्छा खाता है, पर पिछली बार जो ये चुनाव हारे हैं ना सर ये मुख्य कारण रहे ठाकुर वोट, फैक्ट यही है, ये बात आपको कोई बताएगा नहीं मेरे अलावा। सर मनोज सिन्हा जी की ने एक गलती की कि उन्हें उन्होंने गाजीपुर जिले में कुछ भूमिहारवाद ज्यादा फैलाया और अपने इर्द गिर्द भूमिहारों का जमावड़ा ज्यादा बना लिया। इस चीज को लेके जो गाजीपुर जिले के ठाकुर थे ना सर वो थोड़ा सा दुष्ट हो गए थे, और कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के 2-3 ठाकुर बड़े नेता जो हैं उनसे भी उनकी इक्वेशन बहुत अच्छी नहीं थी। और दूसरी बात है कि मनोज सिन्हा की मोदी और अमित शाह से बड़ी अच्छी इक्वेशन थी, और आपको अगर ध्यान हो तो ओरिजिनली तो यूपी के सीएम तो मनोज सिन्हा बनने जा रहे थे, वो किस्सा आपको पता है कि नहीं? हाँ पता है, वो तो दर्शन भी करे आए थे अपनी कुल देवी, नॉट ओनली दर्शन, ना जब ये दिल्ली से वापस आए हैं तो जब बाबतपुर अड्डे पे उतरे हैं तो बाबतपुर से जब बाई रोड आप आते हैं गाजीपुर जाते हैं तो ये थे रेल मंत्री जब तक, तो ये दिल्ली से चलते थे सर रात को शाम को 5:30 वाली जो 4:30-5 बजे जो राजधानियां नहीं निकलती वहां से, तो वो राजधानियां सब आती हैं 2-2:30 बजे मुगलसराय,
तो दिल्ली से चलते थे, मुगलसराय उतरते थे, मुगलसराय इनकी गाड़ी खड़ी रहती थी, एवरी फ्राइडे इवनिंग ये राजधानी पकड़ते थे जब ये रेल राज्य मंत्री थे, और वहां से गाजीपुर आते थे, फिर पूरा सैटरडे संडे अपने क्षेत्र में, बड़े हैं बड़े कर्मठ राजनेता इस मामले में कोई, और फिर संडे की रात को फिर राजधानी पकड़ के रात को, और सुबह 10 बजे अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेते थे दिल्ली, ये इनका रूटीन था। फिर ये दिल्ली से आए था, अब इनका तो ये उस दिन बाई एयर आए, बाबतपुर उतरे, और वहां से जब ये अपनी गाड़ी से जब चले हैं तो हर चट्टी पर इनका रोक के इनकी गाड़ी पर मालाएं लाद के स्वागत हुआ, और इनको बाबतपुर हवाई अड्डे से गाजीपुर पहुंचने में बताते हैं लोग कि 6 से 7 घंटा लगा। और हम लोग, अच्छा हम लोग बड़े प्रसन्न, आप मजा आ गया भाई, गाजीपुर का सर अगर मुख्यमंत्री हो जाएगा तो भाई हम लोग तो भाई स्वार्थी लोग हैं ना, हमका गाजीपुर का डेवलपमेंट हो जाएगा, और रेल मंत्री रहने और सांसद रहते सर, वाकई ये तो मानना पड़ेगा कि गाजीपुर का बहुत विकास किया है। जिस दिन से मनोज सिन्हा हारे हैं गाजीपुर में एक ईंट विकास की नहीं लगी अफजल अंसारी के सांसदी में, तो हम लोग बड़े खुश थे कि साहब मनोज सिन्हा जी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और मनोज सिन्हा जी मुख्यमंत्री के बनने के लिए सुबह बताते हैं लोग कि लगभग 9 बजे जो है 8-8:30 बजे गाजीपुर से चले हैं, और औड़िहार होते हुए जौनपुर की तरफ जा रहे थे, तो जौनपुर से जब मैंने सुना है ऐसा, मुझे बनारस में गाजीपुर के इनके एक बड़े खास टीम मेंबर ने बताया कि जौनपुर से थोड़ा सा आगे पहुंचे थे तो अमित शाह का फोन आया, तो उन्होंने बोला कि कहाँ है, बोला वहां पहुंचे, बोले एक काम करिए रुकिए, गाड़ी रोक दी गई, बोले एक ट्वीट कीजिए, बोले क्या, बोले ट्वीट कीजिए कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में शामिल नहीं हूं और मेरी कैसी कोई मंशा नहीं है, और ऐसा ट्वीट कराया, इन्होंने वहीं बैठे बैठे ट्वीट किया, गाड़ी में गाड़ी मोड़ी वापस गाजीपुर आ गए, और पता लगा कि बाबा जो है मुख्यमंत्री हो गए। तो गाजीपुर से जौनपुर क्या करने जा रहे थे, लखनऊ जाने का, बनारस जौनपुर ही उन दोनों रोड ही एकमात्र था ना, बनारस गाजीपुर, बनारस लखनऊ का रास्ता वाया जौनपुर जाता था ना, जौनपुर सुल्तानपुर होते हुए, तो पहले गाजीपुर गए फिर वहां से रवाना हुए लखनऊ के लिए। नहीं, एक दिन पहले दिल्ली से ओके करा के आए सब कुछ, अमित शाह जी और मोदी जी ने फाइनल कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सीएम मनोज सिन्हा रहेंगे, तो अपने गृह जनपद आए, वहां पर पूरा बड़ा जश्न मना सर, और अगले दिन अब जा रहे थे शपथ ग्रहण के लिए लखनऊ। तब तक रास्ते में ऐसा अच्छा वो कहानी आज भी मैंने बहुत लोगों से पूछी कि अंत में आखिर का भयल है, मतलब मनोज सिन्हा का नाम काट के बाबा कहां से प्रकट भैना के, क्यों, क्योंकि ये तो पक्की बात है सर कि अमित शाह और मोदी की पहली पसंद मनोज सिन्हा ही थे, तो आखिर बाबा का नाम आया कहां से, और जिसने भी बाबा का नाम सजेस्ट किया वो कितना बड़ा युग दृष्टा है सर, कितना जबरदस्त उसने चुनाव किया, सी हाउ बाबा हैज परफॉर्म्ड, आप बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ने गवर्नेंस मॉडल क्या होना चाहिए, काया पलट दी, कोई सोच ही नहीं सकता था सर। आज बाबा मोदी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, मोदी के बाद अगर नंबर दो इस देश में कोई है तो बाबा है, करेक्ट। और बाबा ने सर उत्तर प्रदेश का क्या विकास किया है, क्या सुधारा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में देखिए, उद्योग विकास, काम धंधा, मतलब खुशहाली, उत्तर में आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कोई इंडस्ट्री आता ही नहीं था, क्योंकि वहां तो ये पूरा रंगदारी ठेकेदारी, ये जो तमाशा माफियागिरी, इसके जी जी बिल्कुल, जैसे आज बिहार का हाल आज भी है वैसे वहां हुआ करता था। अब देखिए आप, एक्सप्रेसवे बन गई हैं, लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और बनारस के आसपास तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, अब अयोध्या में और चालू हो गया है, तो और हो ही गया वन सर, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, वो इतनी जबरदस्त योजना है कि वही अपने आप में एक उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए तैयार है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट,
इसके अलावा जो सर विकास हो रहा है, जो उनके जो इन्वेस्टर्स समिट हो रहे हैं यूपी में और जिस तरीके से रियलाइज हो रहे हैं, तो सर बाबा बाबा ने तो कमाल किया। एक बात और भी सुनते हैं कि ठाकरों ने वोट इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि वो इस बात से रुष्ट थे कि मनोज सिन्हा ने योगी जी को जो है वो अंडरकट करने का प्रयास किया। सर अब देखिए उसमें कई थ्योरी थे, नहीं नहीं मैं उसमें कुछ लोग योगी जी का नाम लेते हैं, कुछ लोग राजनाथ सिंह का नाम लेते हैं, अब बहुत से फैक्टर्स रहे होंगे, पर कुल मिला के मैं इतना जानता हूं कि उस चुनाव में, उस लोकसभा के चुनाव में मनोज सिन्हा जी हारे हैं तो मुसलमान या यादव के वो उनका तो जो पोलराइजेशन होना था हुआ, परंतु जो 1.5 लाख वोट बीजेपी को मिलना चाहिए था ठाकुरों का वो नहीं मिला, इस वजह से मनोज सिन्हा हारे थे। क्यों? क्योंकि मनोज सिन्हा समय से ठाकुरों की नाराजगी को कंटेन नहीं कर पाए या उन्होंने उस नाराजगी को एड्रेस नहीं किया। अच्छा मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों किया आप लोगों ने और ऐसा ऐसी क्या नाराजगी थी, तो बोले भैया अमन को बतिए ना सुने, अमन के बिल्कुल सतीबंद करे, हम लोग उनके पास पहुंच ही नहीं पाते थे। मैंने कहा बाबा पहुंच के तुमको थोड़ा ऐसा क्या लेना था, मनोज सिंह से तुम्हारा ऐसा कौन सा काम रुका था, बोला नहीं सांसद छोटे मोटे ऐसे होते हैं, बोला हम लोग पहुंच ही नहीं पाते थे। मैंने कहा क्यों नहीं पहुंच पाते थे, बोला चारों तरफ वो भूमिहारों में घिरे रहते थे। मैंने कहा यार कितनी तुच्छ सब लोगों की सोच है कि तुमने इस वजह से गाजीपुर जिले का सत्यानाश करने वाला ये मुख्तार अंसारी का परिवार को फिर से मैंने कहा कंद के टोकरे को अपने सर पर बिठा लिया हम लोगों ने। और सर उस दिन तो मैं बता रहा हूँ गाजीपुर में एक विकास की ईंट नहीं लगी, नहीं तो आज गाजीपुर में एयरपोर्ट होता और एयरलाइंस की फ्लाइट चल रही होती। जी जी तो इस बार क्या लग रहा है गाजीपुर में, आप कम से कम हम चर्चा कर रहे हैं तो जरा पूर्वांचल की सीटों की भी चर्चा कर लेते हैं और ये भी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको मैं एक सर एक बात बताऊं जी, शायद देश में कोई ऐसा दिन आएगा जब 525 सीट है, कितनी सीट है हमारे देश में कुल लोकसभा कितनी है 545, हो सकता है कि 543 पे इलेक्शन होता है, दो पे नॉमिनेशन होता है, टोटल 543 पे इलेक्शन होता है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि हम भाजपा 542 सीट जीत जाएगी, उसमें भी एक सीट फिर भी हार सकती है, वो गाजीपुर है। गाजीपुर का कोई भरोसा नहीं है सर, कब कब वो धोखा दे जाएगी बीजेपी को, पर उसका इक्वेशन कुछ ऐसा है। हालांकि जो हमारे जो सुभाषपा वाले जो ओम प्रकाश राजभर जी है उनके आने से इक्वेशन काफी चेंज हुई है, और सर गाजीपुर का जब तक टिकट वितरण नहीं हो जाता अफजाल तो खड़े हैं, अब देखना है कि बसपा से कौन आता है और भाजपा से कौन आता है, अभी तो भाजपा का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ ना गाजीपुर से, नहीं हुआ तो गाजीपुर ये तीन लोग जब आ जाएंगे अब देखना पड़ेगा उसमें कि बसपा से कौन आता है। बसपा से कई बार वहां पे कुशवाहा आ जाता है तो कुशवाहा जो है वो 1.5-2.25 लाख वोट कट जाता है, बाकी बहन जी का वहां पे अच्छा खासा कोर वोट है, अपना जो बहन जी का वोट है तो, पर इस बार जो है राजभर वोट पूरा भाजपा को आएगा, तो हालांकि इस बार एज बीजेपी को है और मुख्तार अंसारी के मरने का असर भाजपा को फायदा होगा इसका, और फायदा होगा इस बार, हाँ भाजपा को फायदा होगा, हिंदू वोट जो है प्रतिक्रिया में खुशी के मारे, क्योंकि एक बात मान लीजिए कि हिंदू नफरत बहुत करता था मुख्तार अंसारी से, क्योंकि मुख्तार अंसारी की वाकई हमारे इलाके में दहशत थी, हालांकि वो दहशत 90% तक भाजपा बाबा ने खत्म कर दी थी, पूरा नस्तो नाबूद कर दिया ना सर, पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया, अगर कोई दूर का भी अगर जुड़ाव अगर किसी से साबित हो गया ना कि ये आदमी आज से 20 साल पहले इसका बाप अगर मुख्तार अंसारी का कारिंदा रहा है तो उसके घर पे भी बाबा ने बुलडोजर पे चलवा दिया।
इस कदर क्या एक एक रुपए मुख्तार अंसारी गैंग को एक रुपए के लिए मोहताज बना दिया था, 1 रुपी। और इतना बड़ा नेटवर्क था सर, आप सोच नहीं सकते। इस आदमी के नेटवर्क में हजारों नहीं लाखों लोग जुड़े हुए थे। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां से 10-20-50 लोग गैर मुस्लिम मुख्तार अंसारी के नेटवर्क में शामिल। वो पूरा का पूरा नेटवर्क पिछले 5-7 सालों में बाबा ने एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। अब कहने का मतलब है कि बाबा जो है वो जड़ से नष्ट करते हैं जब करते हैं। तो हाँ सर, जिसके पीछे पड़ गए ना, वो चाणक्य वाली बात है सर, ये एकदम जड़ में मट्ठा डाल देते हैं। तो सर गाजीपुर में इस बार प्रतीक को देख लीजिए, चाहे इसको देख लीजिए, हाँ हाँ किसी को भी देख लीजिए, इस बार सर गाजीपुर बीजेपी को जीतना चाहिए। लोग कई बार बाबा पे आरोप लगाते हैं कि वो जो है वो हिंदू गैंगस्टर्स के, पर्टिकुलरली राजपूत गैंगस्टर्स के प्रति सॉफ्ट हैं, लेकिन उन्होंने ठिकाने तो धनंजय सिंह को भी लगवाई दिया। मैं उसका उसका मुंह से सुन लीजिए आप, आज से करीब 3 महीना पहले की बात है। एक बड़े बड़े राजपूत माफिया के पास कुछ लोग बैठे थे, तो माफिया महोदय बोले, अपने 2-3 खास लोग उनके बैठे थे, उसने उन्होंने कहा कि अरे भैया बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बस किसी तरह काट लो, इसी तरह जैसे जैसे दुबक के नहीं बैठा बैठ जाता आदमी, बोला जब तक ही बबुआ बैठल है बस दुबक के कैसे हूं बिता ला लोगन, और ये जान लिया कि हाँ बस हमन के जियते छोड़ दे ले, बस इन्होंने हमको बस जिंदा छोड़ा हुआ है सर। सांस नहीं ले सकता कोई, खांसना तो बहुत बड़ी बात है। वो जितने भी सो-कॉल्ड राजपूत नेता है ना, वो सिर्फ जीवित हैं और किसी तरह जी खा रहे हैं। और सर क्या है कि इन लोगों ने ना अपने पूरे बिजनेस को आज से 15-20 साल पहले ही समझदार हो गए थे, तो कॉर्पोरेटाइज कर दिया, तो वो कॉर्पोरेट्स बन चुके हैं और अपना जीने खाने का सही जुगाड़ बना चुके हैं और लेजिटिमेट बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करके फिट हैं। तो अब उनको क्राइम करने की जरूरत नहीं है, नाउ दे आर नो मोर क्रिमिनल्स, दे हैव बिकम बिजनेसमैन। पर सर आखिर धौस तो धौस होती है ना, वो जो पुराना जमाना था, तो अब उनका सोच यह है कि बबुआ ने हम लोगों को मारा नहीं है, बस सिर्फ इतना एहसान किया है। बाबा ने कहा कि ठीक है जाओ बेटा तुमको छोड़ देते हैं, पर कहीं से चूं की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे स्टेट में, लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए, बस तुमको जिंदा छोड़ रखा है, जियो खाओ। तो उन्होंने बोला कि हमन के यहाँ कब बुलडोजर आ जाएगी उन्हें पता ना, इसलिए कुछ करे कि ना, चुपचाप कैसे हूं बिता लगा, अगर कोई 4 गाली तुमको गांव में दे रहा है तो चुपचाप हाँ भैया करके किसी तरह बर्दाश्त कर लो, जब तो ये हालत बना रखी है। तो ठाकुर ये बात सही है कि किसी ठाकुर माफिया के घर पे बुलडोजर नहीं चला है, किसी ठाकुर बड़े माफिया की गाड़ी नहीं पलटी है। एनकाउंटर तो हुआ है एक, आपके अतीक के एक दिन पहले ही एनकाउंटर किया था, वो ठाकुर माफिया था उधर आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दो आर ऑन द रॉन्ग साइड। अगर अगर आप अभी भी फिर तो आप चाहे जिस जात के, अगर अभी भी आप गुंडे ही में शामिल है, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तब तो मर्द भरवा देगा। अगर आप चुपचाप अपने शराफत की जिंदगी बिता रहे हैं, अपने मुकदमे सुलटा रहे हैं, जेल में पड़े हैं, या चुपचाप है, बाबा के लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न चिन्ह मत खड़ा कीजिए, उनके लॉ एंड ऑर्डर पे धब्बा आपकी वजह से नहीं लगना चाहिए, फिर आप जीजिए खाइए। सर इन लोगों की जो पुरानी अदावतें थी ना, और दूसरी बात है सर, मुस्लिम माफिया को इरेडिकेट करके बाबा का वोट पड़ता है। अभी पीछे तक क्या हुआ, एक यादव जी और एक पंडित जी का झगड़ा था, देवरिया वाला कांड याद है आपको? शायद आपने यादव जी ने पंडित जी की जमीन लिखा ली थी, यादव जी सुबह सुबह आए अपनी जमीन देखने, पंडित जी पता नहीं किस बात का झगड़ा हुआ, पंडित जी ने यादव जी को मार दिया। अब गांव के यादव जी लोग थे वो सब मिलके आए और पंडित जी की बीवी बच्चे एक लड़का 5 लोग मर गए। पर अब चूंकि पहले पंडित जी के परिवार ने यादव जी को मारा था, फिर यादव जी लोग पूरा जुट के आए, 5 पंडित जी लोग को मार दिए, तो अब बड़ा भमचक मचा सर, क्या होगा, बुलडोजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया सर।
बुलडोजर पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तो यादव जी लोग पूरा घोल बना के उस यादव परिवार के पक्ष में खड़े हो गए, क्या अखिलेश और क्या शिवपाल यादव और पूरी समाजवादी पार्टी। और दूसरी बात है कि पहले तो पंडित जी लोगों ने मारा था ना, तो इन लोगों ने तो रिटेलिएशन में मारा था, तो समाज में भी एक बात थी कि नहीं पहले ही लोग मरना तब ना यादव जी लोग जो है मारे। तो सर पर कुल मिला के यादव लोगों को सरेआम नाराज करते ना, तो बाबा का बुलडोजर हम, मैंने तो बकाया था ये वीडियो बनाई थी कि क्या बात है भाई, हमने तो ना कि हमने तो सुना था कि बाबा के बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, पर जब चेक किया तो बैटरी नहीं थी, तो बैटरी लाके लगाई गई तब भी बाबा का बुलडोजर स्टार्ट नहीं हुआ, तो सब लोग तो गए इसमें तो इंजन ही नहीं है बाबा के बुलडोजर में इंजन ही नहीं है। हम मैंने ऐसी एक व्यंगात्मक वीडियो बनाई थी, पर सर यादव जी लोगों पे बाबा का बुलडोजर नहीं चला ना, परंतु बदायूं वाले केस में तो उसे 2 घंटे में ही चल गया। बदायूं वाले केस में वो जो बार बार लड़का था उसको तो 2 घंटे में बाबा ने ठोक दिया, तो सर एनकाउंटर हो गया उसका। हाँ उसका एनकाउंटर हो गया। तो सर बात यह है कि एक वर्ग विशेष का उन्मूलन करने से बाबा का वोट बढ़ता है ना, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को लेके खुश रहती है, देखो बाबू आज ना बोल रहे थे बाबा एनकाउंटर है भी तो उसके, तो उस वर्ग के बारे में कभी बात करें अलग से, तो उस वर्ग में तो हाँ। आपने खुद ही कहा कि जो गुंडा है वो इनका हीरो है, जितने भी आतंकवादी हैं हमारे इतिहास के वो सब उनके हीरो हैं, औरंगजेब उनका हीरो और गुंडा, और नहीं सर गुंडा ही, सर गुंडा ही उनका हीरो बन सकता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके यहां राष्ट्रभक्ति का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनका तो राष्ट्र उनकी उम्मत है ना, उनका जो नेशन है उनका जो नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनका नेशन उनकी उम्मत और सऊदी अरेबिया है, तो हाउ कैन दे रिलेट विद इंडिया एज अ नेशन। अभी तो कह रहे हैं सऊदी अरब वाले भी काफिर हो गए, नहीं तो पाकिस्तान, तब पाकिस्तान हो जाता ना उनका नेशन। चलिए अब है? एक घंटा हो गया है तो अब हम थोड़ा इसको जी, अरे तरफ चलते हैं। तो ये जी, जी। कि ये जो मुख्तार की जो मृत्यु हुई है इसका कोई असर पड़ेगा क्या, मतलब कोई आपको लगता है कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है क्या? पर बाबा के यूपी में माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा खांसो मत, बाबा बुरा मान जाएंगे। आपको मालूम है आजकल कोरेक्स बिक्री भी यूपी में बंद हो गई है, लोग खांसने से पहले भी 4 बार सोचते हैं, सर 4 बार सोचते हैं कि खांसू कि ना खांसू, बाबा का यूपी है सर वो। इसमें सर किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चू भी बोल जाए खांसना। तो तौकीर रजा भी भाग के जो है वो बीमारी का बहाना बना के दिल्ली में छुप गया जाके। और सर ये तो जो फ्लैग मार्च हुआ कासगंज में, फ्लैग मार्च हुआ यहाँ धारा 44, ये तो बाबा का तुमतड़ा में बाबा अपना इकबाल कायम करते हैं इस तरीके से खबरदार। तो इससे सर उनका हिंदू वोट तुष्ट होता है, जब बाबा भाई कासगंज में फ्लैग मार्च हुआ, फलानी जगह जो है धारा 144 लग गई, फलानी जगह पुलिस ने है, तो इससे क्या है कि हिंदू सुरक्षित महसूस करता है और बाबा का वोट बैंक बढ़ता है, वो बाबा की ब्रांडिंग है एक तरह से। अदरवाइज यूपी में किसी के इकट्ठा भी होता है, इसमें हिंदू इकट्ठा भी होता है एक। हाँ बिल्कुल, हिंदू मोबिलाइज होता है, मेंटली मोबिलाइज होता है, जाति वाला दायरा टूटता है उससे। हाँ वो हिंदू, वो उसकी वो अपने हिंदू आइडेंटिटी को असर्ट करता है। और एक बात बता दूं आपको, बाबा के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से जो आम सफाई है ना वो बहुत खुश है, आम मुसलमान बहुत खुश है, मुसलमानों की औरतें बहुत खुश है, ऐसी बात नहीं है सर। सर जब आप बहुत बड़े पत्थर पर जब घन से हथौड़ा मारते हैं ना, तो आपको लगता है, हमको लगता है कि पत्थर पर कोई असर नहीं हो रहा, पर पत्थर सर अंदर अंदर टूट रहा होता है, ऊपर से लगता है कि नहीं सब कुछ है कुछ नहीं हुआ, हल्का सा डेंट पड़ता है, पर सर पहले हथौड़े में कुछ नहीं होता, चौथे हथौड़े में खुल जाता है।
तो सर वो पहले तीन हथौड़े में हमको लगता है यार कुछ तो हो नहीं रहा, पत्थर को अंदर से टूट चुका होता है, चौथे हथौड़े में एकदम खुल जाता है। तो सर वो बाबा के जो है ना वो अंदर अंदर असर कर रहा है सर। और आपको मैं बता रहा हूं, इस बार बाबा शुड, बीजेपी शुड फिनिश लोकसभा इलेक्शन एट समवेयर एट आई थिंक एट 56% वोट शेयर, मेरा अंदाजा है। अब चलिए देखते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है मुख्तार अंसारी के बारे में और यूपी के माफिया राज और योगी जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो लोगों को अधिकतर नहीं पता होती हैं। बहुत अच्छी इंसाइट्स हैं आपकी, वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम।